हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। और वंस अगेन आई एम हियर विद अ न्यू एनएफटी रिलेटेड वीडियो। लास्ट वीडियो में वी कवर द टॉपिक्स ऑफ बाइनेंस, मेटामास्क एंड ओपनसी। उसमें मैंने ये बताया था कि बाइनेंस में अकाउंट किस तरह बनता है, वेरीफाई किस तरह से होता है, उसमें हम फंड्स किस तरह से ऐड करते हैं, उसको मेटामास्क में किस तरह लेके जाते हैं, और फिर मेटामास्क को ओपनसी से कनेक्ट करके या किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके एनएफटीज कैसे अपलोड करते हैं। एंड आई रियली होप कि उस लास्ट वीडियो ने काफ़ी लोगों की हेल्प की होगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार भी ये वीडियो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर कर देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के एंड में आई विल आंसर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो नॉर्मली मुझसे कमेंट्स में, इनबॉक्स में पूछे जाते हैं, और मैं चाहूँगा उन सबको आंसर करूँ ताकि आप लोगों की काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे एनएफटी प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो एक एनएफटी प्लेटफॉर्म को दूसरे एनएफटी प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है, आएँ उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनसी से। अगर हम लोग ओपनसी की बात करते हैं तो इसमें हम लोग अपना आर्ट वर्क अपलोड कर सकते हैं। वंस अगेन, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें आपको वन टाइम गैस फी देनी होगी। वो गैस फी डिपेंड करती है इथेरियम या वेब ट्रैफिक के ऊपर। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा आपका गैस फी का अमाउंट बढ़ जाएगा, जितनी कम होगी उतना गैस फी का अमाउंट कम हो जाएगा। इसमें अपलोड करने का तरीका बहुत ईजी है। आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको गैस फी देनी होगी, लेकिन अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से कोई भी गैस फी नहीं देनी होगी। और ओपनसी को भी हम अपने डिजिटल वॉलेट मेटामास्क से ही कनेक्ट करेंगे। सो अब बात करते हैं हम लोग फाउंडेशन ऐप की। फाउंडेशन ऐप में हम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग मिंटिंग नहीं कर सकते। इन इजी वर्ड्स, हम लोग इसमें अपना आर्टवर्क अपलोड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम लोगों के पास क्रिएटर इनवाइट हो। और वो क्रिएटर्स इनवाइट हमें तभी मिल सकता है कि जो उसमें एग्जिस्टिंग क्रिएटर हो और जिसका आर्टवर्क बिक चुका हो। नॉर्मली इसमें होता ये है, अगर एक आर्टिस्ट का आर्टवर्क बिकता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको 2 या 3 क्रिएटर्स इनवाइट मिलते हैं, तो वो क्रिएटर इनवाइट से 3 लोगों को बुला सकता है। इन फ्यूचर आपका कोई आर्टवर्क बिकेगा, आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और आप 3 लोगों को बुला सकते हैं। तो इस तरह इसमें ये चेन चलती रहेगी। और ओपनसी और फाउंडेशन में सिर्फ इतना फ़र्क नहीं है, बल्कि इसमें गैस फी आपको हर टाइम देनी होगी जितनी बार आप लोग आर्टवर्क अपना अपलोड करेंगे। सो यस, फाउंडेशन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, और अगेन ये भी आपके मेटामास्क वॉलेट से ही कनेक्ट होगा। और अब हम बात करेंगे न्यू प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है नोन ओरिजिन। और इसमें भी हम लोग अपना अकाउंट तो बना सकते हैं, लेकिन जब अपलोड करने की बारी आए तो उसमें हम लोग अपलोड नहीं कर सकते जब तक हम लोगों के पास नोन ओरिजिन से कोई अप्रूवल ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन सेंड करनी होती है, अपने आर्टवर्क्स शो करने होते हैं, और अगर वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाती है उसके बाद हम लोग मिंट कर सकते हैं। और इसमें वंस अगेन आपको हर आर्टवर्क के बाद गैस फी देनी होगी, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो गैस फी हम ओपनसी के लिए या फाउंडेशन के लिए देते हैं, आपको उतनी गैस फी नहीं देनी होगी, बल्कि इसकी काफ़ी कम होती है गैस फी। ओके, जो फोर्थ प्लेटफॉर्म है, अब हम उसकी बात करते हैं, विच इज़ रेलेबल। इसमें अकाउंट बनाने के लिए वंस अगेन हमें अपने मेटामास्क से कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद हम लोग अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नॉन ओरिजिन और फाउंडेशन की तरह इसमें भी आपको हर बार गैस फी देनी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग बात करते हैं सुपर रेयर की। सो इसके नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये काफ़ी प्रीमियम मार्केट है, एनएफटी प्लेटफॉर्म है, और इसमें भी हर कोई अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता। आप लोगों को एप्लीकेशन देनी होती है, वो लोग आपके आर्टवर्क को देखते हैं, उस एप्लीकेशन के बाद ही आप लोग मिंटिंग कर सकते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट अप्रूव होती है। और वैसे तो बहुत सारे एनएफटी प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, लेकिन टॉप 5 में मेरी लिस्ट में ये 5 आते हैं। और अगर इसमें से आप मुझसे पूछेंगे कि फॉर स्टार्टर्स, फॉर बिगनर्स कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर ओपनसी, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ गैस फी 1 टाइम देनी होगी और उसके बाद आप लोग अनलिमिटेड आर्टवर्क अपने अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई वांट टू आंसर सम क्वेश्चंस जो मेरे पास कमेंट्स में आते थे, डीएम्स में आते थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन वी अपलोड? ओके, सिंस इसमें हम लोग कोई भी अपना डिजिटल एसेट्स डाल सकते हैं, तो इसमें हम लोग अपनी मैनिपुलेशंस डाल सकते हैं, पेंटिंग्स डाल सकते हैं, डिजिटल आर्ट, फोटोग्राफी, एनिमेशन, जिफ्स, शॉर्ट वीडियो, 2D आर्टवर्क, 3D आर्टवर्क, पोइट्री, बेसिकली एनीथिंग डिजिटल। हाउ मच मनी डू वी नीड टू इन्वेस्ट? ओके, फॉर स्टार्टर्स आई वुड सजेस्ट के जितनी गैस फी है सिर्फ आप उतना ही इन्वेस्ट करें, आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसमें भी जितनी गैस फी ट्रैकिंग साइट्स हैं कि उसमें सबसे लोवेस्ट टाइम कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें मिनिमम गैस फी आपको देनी पड़े ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कम हो।
किस प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करें? ओके, टू बी ऑनेस्ट, देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं एनएफटी से रिलेटेड, लेकिन मैं आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बताते हैं और इन दी एंड वो प्रोजेक्ट्स फ्लॉप गए तो इसमें तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। और आई वुड सजेस्ट के कंसिडर योर सेल्फ एज अ प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ रादर देन जस्ट जंपिंग अराउंड इन द हाइप वैगन, क्योंकि एनएफटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी फेक हाइप क्रिएट की जाती है ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है, वो चाहते हैं कि ऑडियंस को किसी तरह से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके आए, वो अपनी तरफ से पैसे कमा लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट गायब हो जाता है या वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस करें जो आप लोग खुद आर्ट वर्क क्रिएट करें। ब्रो, ये लॉयल्टी परसेंटेज क्या होता है? ओके, सो लॉयल्टी परसेंटेज बेसिकली वो परसेंटेज है जो सेकेंडरी सेल के बाद आपको मिलती हैं। लेट्स से आपने कोई आर्टवर्क अपना सेल किया और वो आर्टवर्क जो कलेक्टर था उसने आगे सेल किया, तो उस सेल का आपको अमाउंट मिलेगा और ये परसेंटेज कोई भी परसेंटेज हो सकती है जो आप मेंशन करें। पर आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा भी लॉयल्टी परसेंटेज आप ना रखें, क्योंकि फिर कलेक्टर्स आप लोगों का आर्टवर्क अवॉइड करेंगे। NFT प्लेटफॉर्म्स कितनी परसेंटेज कट करते? वेल, मुझे अभी OpenSea और फाउंडेशन का आइडिया है तो मैं उन्हीं पे बात करूँगा। OpenSea अपनी परसेंटेज कट करता है पर सेल, वो है 2.5%, और फाउंडेशन पहले 15% कट करता था क्योंकि वो एक प्रीमियम मार्केट प्लेस है, और अब उनके न्यू अपडेट के बाद वो सिर्फ 5% डिडक्ट करता है। हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम MetaMask? ओके, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। बेसिकली जिस तरह से हमने प्रोसेस Binance से MetaMask में फंड्स लाने के लिए किया था, लकीली हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती MetaMask से Binance में ले जाने के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज Binance में जब हम डिपॉजिट में आएंगे उसमें जो हम लोगों का एड्रेस होगा वही एड्रेस हमें MetaMask में पेस्ट करना है, और उसमें जितने भी इथेरियम हमें सेंड करने हैं वो इथेरियम हम लोग अपने Binance में सेंड कर सकते हैं ईजिली। जब हम Binance में वो इथेरियम सेंड करेंगे तो Binance की इथेरियम में हमें वो अमाउंट शो होने लग जाएगा, तो उस इथेरियम को हम लोग अपने USDT में चेंज कर सकते हैं और P2P के ज़रिए हम वो सेल कर सकते हैं। जब हम P2P में सेल करते हैं तो सबसे पहले आपके दिए हुए बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, और जब वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा तब आप पेमेंट रिसीव पे टिक करें और वो USDT आप रिलीज़ करते हैं। तो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि जब तक आप लोगों के बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं आ जाते आप लोग वो USDT रिलीज़ नहीं करते, तो मेक श्योर जब तक आप लोगों के पास वो पेमेंट रिसीव ना हो आप लोग रिसीव पेमेंट पे चेक ना लगाएं। ओके, टिप्स टू सेल द आर्टवर्क्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, और इसका आंसर बहुत सिंपल है एंड इट्स इंटरेक्शन। सो इंटरेक्शन इज़ द की, और इंटरेक्शन के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक्टिव इसमें होना होगा ट्विटर पे। आई नो ट्विटर किसी को नहीं पसंद, ट्विटर सबको बहुत बोरिंग लगता है, यू नो, विद ऑल पॉलिटिकल ट्वीट्स एंड ऑल, लेकिन हम लोगों के पास सिर्फ यही ऑप्शन है क्योंकि सबसे ज़्यादा कलेक्टर्स हमें ट्विटर पे मिलते हैं। डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ आप लोग इंटरेक्ट करें, स्पेसेस ज्वाइन करें, क्योंकि इस तरह से एक पूरी NFT कम्युनिटी बिल्ड होती है, क्योंकि अगर हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करेगा हर किसी का आर्टवर्क को और लाइक्स और व्यूज़ मिलेंगे, और इसी तरह आप लोगों के पास और चांस होगा अपना आर्टवर्क सेल करने का। इवन दो ट्विटर पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्कैमर्स मिलेंगे जो फेक प्रोमोटर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, लेकिन इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हम फाउंडेशन ऐप पे जाएंगे और इसमें हम ट्रेंडिंग कलेक्टर्स की लिस्ट में जाएंगे तो इसमें हमें ऑथेंटिक कलेक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप उन सबको फॉलो करें, उनसे इंटरेक्ट करें, और यस, कभी भी किसी को डायरेक्ट मैसेज करके अपना आर्टवर्क सेल ना करें, क्योंकि बेस्ट वे है कि आप अपना आर्टवर्क अपलोड करते रहें, इंटरेक्ट करें, सब ट्विटर पोस्ट के साथ एक्टिव रहें, क्योंकि जब भी हम अपना आर्टवर्क अपलोड करते हैं तो इसमें कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं, वो आर्टवर्क एक दिन में भी बिक सकता है, एक हफ्ते में भी, और एक साल में भी, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका आर्टवर्क जल्दी बिके तो जितनी आप इंटरेक्शन लोगों से करेंगे उतना ही आप बायर्स और दूसरे आर्टिस्ट की नज़रों में आएंगे। सो यस, इंटरेक्शन इज़ द की। ओके, सो एंडिंग टिप मेरा ये है कि
प्लीज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द स्कैमर्स, क्योंकि आप लोगों को ट्विटर पे हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के स्कैमर्स मिलेंगे, जिसमें शायद आप लोगों को इस चीज़ से अट्रैक्ट किया जाए कि आप लोगों का नाम किसी लकी ड्रॉ में आ गया है, किसी वाइट लिस्ट में आ गया है। क्योंकि जैसे ही कोई उस लिंक पे क्लिक करता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो मेटामास्क के थ्रू आपके सारे फंड्स ले लेते हैं। सो डू योरसेल्फ अ फेवर, नेवर एवर क्लिक ऑन एनी लिंक, क्योंकि चाहे आप डिस्कॉर्ड में अकाउंट बनाएं, चाहे ट्विटर पे बनाएं, स्कैमर्स हर जगह हैं। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने क्लियर किया हो। इफ़ यस, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।